अल्लाह सुभान व तआला ने इंसान को पैदा किया और उसको अकल दी। इस अकल की वजह से इंसान ने इस जमीन में बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर किया और दुनिया में जिंदगी गुजारने के उसने बहुत से तरीके सीखे। इस जिंदगी में हम बहुत से काम करते हैं, बहुत सी हमारी जरूरियात हैं और उनको हम पूरा करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाते हैं और उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको इख्तियार कर लेते हैं। हमारी जरूरत है खाना पीना, तो आप देखें कि उसमें कितनी वैरायटी है और कितने तरीके हैं। और अब जो कि दुनिया सिमट गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो लोगों ने एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा, मशरिक ने मगरिब से, मगरिब ने मशरिक से। जिस मुल्क में भी जाएं हर तरह के खाने अवेलेबल हैं, इसी तरह लिबास के मामले में, इसी तरह हाउसिंग के मामले में, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसानों ने अपनी अकल इस्तेमाल करके, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते, तरक्की करते करते अपनी सिर्फ जरूरियात नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करने के बहुत से तरीके निकाल लिए हैं। इसी तरह इंसान का लिबास है, इंसान के बाकी जिंदगी के काम काज हैं। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं दिया और सिर्फ जिस्म की जरूरियात नहीं दी कि जिसमें इंसान अकल इस्तेमाल करे, इंसान को अल्लाह ने रूह भी दी है और उसकी अपनी जरूरियात हैं और उसके अपने तकाजे हैं। लेकिन रूह की जरूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने इंसान को सिर्फ अकल के हवाले नहीं किया कि वो अपनी अकल से सोचे कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर ये बात भी है कि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है, हम कहीं भी किसी आइलैंड पे जाके नहीं रह सकते, हमें इंसानों के साथ रहने की जरूरत होती है। फिर उन इंसानों के साथ कैसे मामला करना चाहिए, उनको हम कैसे खुश रख सकते हैं, वो हमें कैसे खुश रख सकते हैं। हमारी इन तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए, यानी हमारी रूह की जरूरियात, हमारी इंसानों के साथ मामला करने की जरूरियात और इसी तरह दीगर कुछ और जरूरियात भी ऐसी हैं कि जिनको इंसान सिर्फ अपनी अकल की बिना पे पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए अल्लाह सुभान व तआला ने रसूल भेजे, उन पर किताबें भेजी, रसूलों ने इंसानों को जीने का ढंग सिखाया, अच्छे बुरे का फर्क बताया, अकल की रहनुमाई की और इंसानों को खुशगवार जिंदगी बसर करने का तरीका सिखाया। आमतौर पर इंसान की गलतफहमी रही है और वो ये समझता रहा है कि अगर उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी तो उसको एक खुशगवार जिंदगी मिल जाएगी, तो खुश हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में भाग दौड़ करते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हमें पता चलता है कि जो कुछ हम जिंदगी में चाहते थे वो सब कुछ तो मिल गया, पर दिल अब भी खुश क्यों नहीं, वो किस चीज की कमी है, वो अंदर एक वैक्यूम सा क्यों है, एक खला क्यों है, एक उदासी सी क्यों है, एक बेतमिनानी और बेसुकूनी सी क्यों है, वो कैसे दूर होगी। उसके लिए इंसानों ने अपने अपने तरीके इजाद किए और अपने तरीकों से इस जरूरत को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हाँ, अल्लाह के वो समझदार बंदे जिन्होंने पैगंबरों की बात को मान लिया और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लिया और अल्लाह सुभान व तआला को पहचान लिया और उसके बंदे बन के रहे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को भी खुशगवार बना लिया। और फिर उन्होंने ये जान लिया कि जिंदगी सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक इम्तिहान के लिए, जिंदगी तो इसके बाद शुरू होगी। लिहाजा उन्होंने इस जमीन पर वो काम किए कि जिससे उनकी दुनिया भी संवरे और आकबत भी संवरे। बहरहाल आज मैं कुछ वो बातें आपसे करूंगी कि जिससे आपको इस दुनिया में अच्छी सी जिंदगी बसर करने के कुछ उसूल, कुछ जाब्ते हाथ आए, ताकि हम यहाँ भी सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। और बहसियत मुसलमान, चूंकि हमारा ईमान है कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, जैसे अल्लाह ताला ने पहली दफा पैदा किया, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो हमें दोबारा भी पैदा कर दे। यानी दोबारा की जिंदगी का सबूत क्या है? पहली दफा पैदा होना। ये जिंदगी दलील है इस बात पर कि मरने के बाद एक और जिंदगी भी हो सकती है और हम सब दोबारा उठाए जाएंगे, और जब उठाए जाएंगे फिर अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाएंगे और फिर हमारे आमाल तोले जाएंगे और फिर उसके मुताबिक हमारा ठिकाना बनेगा। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। जन्नत में जाने वालों के भी दर्जात हैं और जहन्नम में जाने वालों के भी तरकात हैं।
अरबी जबान में दर्जा कहते हैं जो ऊपर को चीज जाती है, और दर्क कहते हैं जो नीचे को जाती है। किन्नल मुनाफिकीना फिर दर्क के लसफली, यानी सबसे निचले गड़े में मुनाफिक होंगे। तो कुछ लोग जन्नत में जो जाएंगे, जन्नत में भी उनके दर्जात होंगे। जन्नत के बारे में एक रिवायत में आता है कि उसके 100 दर्जे, कुछ लोग पहले दर्जे पे होंगे, कुछ 20वें पे होंगे, कुछ 30वें पे, और कुछ आखिरी जन्नतुल फिरदौस में होंगे। और ये दर्जात किस बिना पर होंगे? कुरान मजीद में आता है, लिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, हर एक के दर्जात हैं उसके मुताबिक जो उन्होंने अमल किए, यानी जैसे अमल होंगे, जितने अमल होंगे उसके मुताबिक दर्जा मिलेगा। दुनिया में भी इंसान जैसे जितनी जितनी कमाई करता है, मेहनत करता है, काम करता है, उतना उतना माल इकट्ठा कर लेता है। अमल का भी यही हाल है, जितना जितना इंसान अमल करता है, कोशिश करता है, और उसके मुताबिक फिर आखरत के दर्जात कमा लेता है। अब ये हमारी अपनी च्वाइस है कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं। बहरहाल खुशगवार जिंदगी बसर करने का पहला उसूल यही है जो कुरान ने हमें दिया है कि इंसान अमल सालेह पर, नेक कामों पर, खैर के कामों पर तवज्जो करे और उनको बजा लाने की कोशिश करे। इसमें हम सूरत अन्नहल में देखते हैं, आयत नंबर 97 है, मन अमल सालिहं मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो कोई नेक अमल करेगा, जो भी कोई अच्छा काम करेगा, खा मर्द हो या औरत हो, शर्त यह कि वो मोमिन हो, वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको जरूर उम्दा जिंदगी बसर करवाएंगे, हयात तय्यिबा। ये आखिरत की बात नहीं हो रही, ये दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में भी उसको एक अच्छी प्योर लाइफ मिलेगी, साफ सुथरी जिंदगी मिलेगी। और इसका ताल्लुक इंसान के जाहिर से भी है और इंसान के दिल से भी है। और फिर इसके बाद वलनज़ियन्नहुम अजरहुम, उनको उनके आमाल का बदला भी जरूर जरूर देंगे, बिअहसनि मा कानू यअमलून, उस बेहतरीन तरीके पर जो वो अमल करते थे, यानी जिस क्वालिटी का, जिस दर्जे का वो अमल करते होंगे उसी दर्जे के मुताबिक उनको वहां बदला भी दिया जाएगा। इसलिए हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे हों। लेकिन नेक आमाल से पहले ईमान जरूरी होता है, यानी हमें अपने ईमान पर काम करने की जरूरत है, वह हुआ मोमिन शर्त है। अगर ईमान नहीं है तो आप देखें, अच्छे काम तो दुनिया में हर कोई, कोई कम कोई ज्यादा अच्छे अच्छे काम करता है, बल्कि बहुत से नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो शायद मुसलमानों से भी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हों, इंसानियत की भलाई के काम कर रहे हों, लेकिन वो फायदा नहीं देते जब तक कि वो अल्लाह के लिए ना किए जाएं और अल्लाह पर ईमान लाकर ना किए जाएं। इवन मुस्लिम भी, मुसलमान भी अगर कोई अच्छा काम करता है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं करता, अल्लाह के लिए नहीं करता, तो उसका फायदा नहीं होता उसको। अगर वो अपना काम दिखावे के लिए कर रहा है, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा है, तो उसका वो फायदा ना होगा। लिहाजा पहला काम क्या करना है हमें, कि हमें अपने ईमान पर काम करना है। हमें देखना है कि हमारा ईमान किस किस चीज से बढ़ता है और किस किस चीज से बढ़ेगा। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम वो काम करें जिससे हमारा ईमान बढ़े। इसमें आप देखें कि हम में से हर शख्स अपने दिल की कैफियत को तो समझता है, हम में से हर एक को पता है कि किस काम के बाद मेरी अंदर की फीलिंग्स अच्छी हो जाती हैं, मेरी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाती है, मुझे लोगों से कोई शिकवे शिकायत नहीं रहते, मुझे सब्र करना आ जाता है, मुझे शुक्र करना आ जाता है, मुझे लोगों के रवैयों से बेनियाजी आ जाती है, दुनिया के गम हल्के होने लगते हैं। वो कौन सी चीज है? इस राज को पाए। जिसने इस राज को पा लिया वो कामयाब हो गया, क्योंकि बहुत से लोग भटकते रहते हैं अंधेरों में, सब कुछ जानने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता चलता कि उनके दिल का चैन, सुकून, इत्मीनान, खुशी किस चीज में है। सब कुछ होते हुए भी वो परेशान क्यों रहते हैं? सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी का एहसास क्यों रहता है? लिहाजा हम में से हर एक को मुख्तलिफ चीजें ट्राई करनी चाहिए।
तजुर्बा करना चाहिए। वो कौन सी बात है, वो कौन सा कलाम है, वो कौन सी मजलिस है, वो कौन सा इंसान है, वो कौन सी मेहनत और कोशिश है कि जिसके बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन नसीब होती है। और जिस चीज के बाद आपको मिले उस चीज को फिर दोबारा दोहराना चाहिए। वो कुरान मजीद का पढ़ना भी हो सकता है, वो अल्लाह का जिक्र भी हो सकता है, वो बंदों की खिदमत भी हो सकती है। अगर ये सारे काम अल्लाह की खातिर हो रहे हों, किसी को दिखाने के लिए ना हो रहे हों, वो सदका खैरात भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आग से बचो खा खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, बिशक तमरा। शिक कहते हैं यानी अगर जब उसको दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो वो हर दो हिस्सा शिक जानिब, यानी उसका एक पीस जो है खजूर का एक पीस, अंदर तो गुठली होती, अगर वो पूरी खजूर भी नहीं दे सकते, आधी खजूर दे के भी तुम उसको पा सकते हो, यानी आग से बच सकते हो, तो ऐसा जरूर करो। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील ना करें, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना दौड़ते रहें, बल्कि उन कामों के पीछे जाएं, खा उनमें मेहनत लगती हो, खा उनमें तकलीफ होती हो, खा उनमें कुछ कुर्बानी करनी पड़ती हो, लेकिन उसके नतीजे में हमें सुकून कल्ब हासिल होता हो। इमाम इब्न तैमिया ने कहा था कि इंसान के लिए एक जन्नत दुनिया में है और एक आखिरत में है, जो दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं हुआ वो आखिरत की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वो दुनिया की जन्नत क्या है? वो दुनिया की जन्नत दिल का सुकून है, दिल की राहत है, दिल की ठंडक है, दिल का इत्मीनान है, दिल की खुशी है कि जिससे इंसान हर तरह के हालात में एक पुरसुकून इंसान रहता है। इसके लिए हर शख्स को खुद मेहनत करना है, और उसूल मैंने आपको दे दिया कि उसकी की जो है वो ईमान लाकर अमले साले हैं, नेक अमल हैं, लेकिन वो नेक अमल क्या क्या है उनका इल्म हासिल करना जरूरी है कि कौन कौन से काम अल्लाह ताला को पसंद है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दूसरी चीज जो इंसान को खुशी देती है वो इंसानों के साथ एहसान का मामला है, चाहे जबान के साथ चाहे काम के साथ। यानी जब आप किसी के साथ अच्छा बोल बोल लेते हैं, सिर्फ उसके साथ नहीं जो आपके साथ अच्छी तरह बात करता है, उसके साथ भी जो आपसे अच्छी तरह बात नहीं करता और कभी भी नहीं करता। हम में से हर शख्स की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि हम उनके साथ अच्छा करते भी रहें फिर भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो होते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जब इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा करता है तो मजा नहीं आता, लेकिन जब अल्लाह के लिए करता है तो उसका दिल खुश हो जाता है कि मैंने वहां नेकी की, मैंने उसके साथ नेकी की जिससे मुझे कोई जवाब नहीं मिलना। लिहाजा कुलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से जब भी बात करें, चाहे आपके मुलाजिम हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आप कहीं काम करते हैं तो आपके कुलीग्स हों, चाहे आप कहीं पढ़ाते हैं तो आपके शागिर्द हों, कोई भी हो, बड़ों के साथ फिर भी इंसान इज्जत का और एहतराम का एक मामला करता है, लेकिन अमूमन अपने जैसों के साथ फिर वैसा ही करता है जैसे उसके साथ किया जा रहा होता है, और उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं। हम ये कहते हैं वो भी तो करता है ना, वो भी तो ऐसे ही करता है, ऐसे को तैसा ही होना चाहिए। ये उसूल हमने खुद बना लिया, ऐसे को तैसा, ये कुरान से टकराता है, ऐसे को तैसा नहीं। जो बुरा करे, हमें क्या तालीम दी गई है कि हम उसके साथ अच्छा करें। इदफा बिल्लती या अहसन, बुराई को उस तरीके से दूर करो जो ज्यादा अच्छा तरीका हो। तो इंसानों के साथ एहसान, बात के जरिए भी, कोई अच्छी बात उनको बताएं, कोई अच्छा मशवरा दें, अगर उनको कोई परेशानी है या उनको किसी बात में कोई मुश्किल पेश आई हुई है तो उनकी उस मुश्किल का हल तलाश करना। तो जबान के जरिए आप किसी को तसल्ली दे सकते हैं, किसी का दिल खुश कर सकते हैं, तो ये एहसान का मामला है। और दूसरा, अमल के साथ, काम के साथ, जिन लोगों के साथ हमारा दिन रात का इंटरेक्शन होता है, हमें ये मालूम होता है कि उनकी जरूरियात क्या हैं, उनके वो कौन से काम हैं जो मैं कर सकती हूँ, मैं कहाँ उनके काम आ सकती हूँ। और फिर जब आप वही काम करते हैं तो आपको खास खुशी नसीब होती है। एक खुशी इंसान को अपनी ख्वाहिशात की तकमील से होती है कि जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए कुछ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो वो भी एक खुशी होती, लेकिन वो दरअसल आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं।
लेकिन एक एहसान वो होता है कि आप अल्लाह की खातिर लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और किसी बदले और किसी सिले की कोई तवक्को नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं, शुक्रिया भी नहीं चाहते, हत्ता कि हम ये भी नहीं आप पे बोझ डालते कि आप हमारे लिए दुआ करें। क्योंकि सलफ़े सालेहीन किसी नेकी के जवाब में दुआ का मुतालबा करने को भी बदला समझते थे। वो कहते थे कि किसी से ये मत कहो कि मैंने आपके साथ ये किया है जो, बस आप मुझे इसके बदले में दुआ दे दें। नहीं, वो खुद दे दे तो ये उसका एहसान है और उसको देनी चाहिए। क्योंकि इंसान बाज़ोकात किसी की नेकी का, किसी के एहसान का बदला उस शक्ल में नहीं दे सकता जो एहसान उसने हम पे किया होता है। हाँ, दो शक्ल में हम उसको बदला दे सकते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इतनी तारीफ करें, इतनी तारीफ करें कि दिल में तसल्ली हो जाए कि हमने बदला दे दिया। ये बदला देने का एक तरीका है। मसलन किसी ने आपको पानी पिलाया, अब वो पिला के तो कहीं चला गया, कोई अजनबी था राह गुजरते हुए, आप सफर कर रहे थे, आपको प्यास लगी, आपने किसी से कहा कि ये पानी मुझे दे दो, उसने दिया, वो चला, बात खत्म। ना आप उसको जानते ना वो आपको जानते, अब आप बदला कहाँ से देंगे उसको? वो तो एक मिनट के लिए ठहरा भी नहीं कि आपसे शुक्रिया या कोई नजराना वसूल करे। अब आपकी प्यास बुझी तो आपके दिल से दुआ उठी। ये आपका अपना फर्ज बनता है कि आप उसके लिए कुछ करें। और बेहतरीन चीज आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए दुआ दे सकते हैं और फिर अपनी मंजिल पे पहुंच के उसकी तारीफ कर सकते हैं कि ऐसा और ऐसा शख्स मुझे रास्ते में मिला कि जिसकी ये और ये खूबियां थी। और अगर कोई किसी को जानता हो तो उस वक्त भी। आमतौर पर आप देखिए कि हम अपनी मजलिसों में जब भी किसी का जिक्र करते हैं अमूमन नेगेटिव वे में करते हैं, अच्छे अंदाज में कम ही करते हैं और कम ही लोगों का करते हैं। हत्ता के अपने वालिदैन के लिए भी हमारी जबान से अच्छे अल्फाज कम ही निकलते हैं। उनसे बढ़ के तो हम पर कभी किसी ने एहसान नहीं किया। हम सब सोचें कि हम सब अपने वालिदैन का, उनके तो कई एक हुकूक है ना, उनमें से एक ये है कि उनकी जिंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी उनको अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। हम जब बहन भाई आपस में मिलकर बैठते हैं तो अपने वालिदैन की कितनी खूबियां बयान करते हैं, या अपने दोस्तों में बैठते हैं या उनके दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उनकी कितनी नेकियां या कितने एहसान, हमें तो याद भी नहीं रहता, हम तो देखते भी नहीं कि ये एहसान है उनका। फिर इसी तरह और लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जिन्होंने हम पे एहसान किए होते हैं, कोई नानी दादी होती है, कोई और टीचर होती है, कोई रिश्तेदार होती है, कई लोग होते हैं ना। एक इंसान जब ग्रो करता है, बड़ा होता है तो कई लोगों का उसमें हाथ होता है। आप तन्हा कुछ भी नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं इसमें बेशुमार लोगों का तआवुन है, हमारी शख्सियत को बनाने में, हमें किसी काबिल बनाने में कि हम बड़े होकर कुछ करने के काबिल हो सकें। इसमें उस शख्स का भी हाथ है जिसने बचपन में हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, हमें दांत साफ करने सिखाए थे। बाज़ोकात वो मदर होती है, बाज़ोकात वो मदर की कोई हेल्पर होती है। कितने बेशुमार लोगों का हम पर एहसान है। हम सोचे कि हमने अपने मोहसिनीन में से कितने मोहसिनों को अच्छे लफ्जों में कभी याद किया। और आप देखें कि हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं ना, उनका सबसे पहले बराह रास्त इम्पैक्ट खुद हमारे अपने ऊपर पड़ता है। जब हम अच्छी बात करते हैं तो उसका अच्छा असर खुद अपने ऊपर पड़ता है, आप अपना दिल खुश होता है। और जब हम किसी की बुरी बात करते हैं या सुनते हैं तो उसका बुरा असर आपके अपने ऊपर भी पड़ता है। ये हो नहीं सकता कि आप उससे फिर बच जाएं, कि आप किसी को कुछ सुना दें। अगर कोई शख्स किसी को कोई गालियां दे रहा है तो ये तो नहीं होता कि वो उठा के सिर्फ उस पर कुछ फेंक रहा है, वो अपने आप को अपने कानों के जरिए अपने दिल पे भी फेंक रहा है। तो इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो अपनी जात के लिए अच्छा करोगे। इंसान जब अच्छा करता है तो अपने ही लिए अच्छा करता है। इसी तरह खुशगवार जिंदगी बसर करने के लिए बड़ा जरूरी होता है, एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए, कि इंसान किसी अच्छे काम में मसरूफ रहे। एक तो वो काम होते हैं ना जो हमें करने पड़ जाते हैं, जो मजबूरी से हम करते हैं, हमारे ऊपर वो डाल दिए जाते हैं। मसलन आप बेटी हैं, घर में रहती हैं, तो आपकी वालदा ने आपको कुछ काम कह दिए कि ये तुमने करने,
जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, कुछ काम बेटे के जिम्मे, कुछ बेटी के जिम्मे, कुछ वो तो करना ही है कि आपका फर्ज बनता है कि आप जिस घर में रहते हैं, जहां से आप सारे फायदे उठाते हैं, वहां आप पे बैक भी करें, कुछ ना कुछ वापस लौटाएं, कुछ ना कुछ उस घर की खैरखाई करें। लेकिन ये काफी नहीं है, ये तो फर्ज के दर्जे में है ना। जो एहसान होता है ना, वो फर्ज से आगे की चीज होती है, ठीक है ना। मसलन हदीस से जिब्रील में एहसान की तारीफ क्या की गई है, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराह। अब इसमें आप देखें दो हिस्से हैं, अंताबुदल्लाह एक हिस्सा है जो हम सब करते हैं, का अन्ना का तराह दूसरा हिस्सा जो एहसान का दर्जा है। अगर आप ये नहीं करते का अन्ना का तराह तो आप सिर्फ इबादत करें, फर्ज पूरा करें, हो गया, लेकिन एहसान के दर्जे को नहीं आप पहुंचे। एहसान के दर्जे को वो पहुंचता है जो उसे खूबसूरत अंदाज में निभाता है। तो इसमें आप देखिए कि हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मकसद रखें, कोई ना कोई ऐसी चीज करें जो हमारे रोजमर्रा के फराइज से आगे की चीज हो। उसमें हम कोई इल्म सीखने की बात कर सकते हैं, कोई सिखाने की कर सकते हैं, कोई ऐसा हुनर अल्लाह ने आपको दिया है कि जिससे आप खल्के खुदा को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। और जो लोग अपनी जवानी में मसरूफ जिंदगी गुजारना सीख लेते हैं, अपने वक्त को लग्व और फजूल बेकार बातों से बचाकर अच्छे कामों में लगाते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा खुशगवार होता है। मैंने मुख्तलिफ लोगों के बुढ़ापे देखे हैं, कुछ के इंतहाई मिजरेबल कि रो रो के उन्होंने वक्त काटा जिंदगी का आखिरी, और कुछ के इंतहाई खुशगवार, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी वालदा मोहतरमा थी। हम 12 बहन भाई थे, उन्होंने 13 बच्चे जन्म दिए, 13वा फौत हो गया था, लेकिन 12 उन्होंने पाल के जवान बड़े किए और उनकी तरबियत की, और वो सारी जिंदगी इंतहाई मसरूफ रही इन्हीं बच्चों की पैदाइश और परवरिश और तालीम और शादी और इन सब चीजों में। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने उनको कुछ लंबी जिंदगी दे दी कि जब वो 60s के बाद इन सब के फराइज से फारिग हुई तो उन्होंने नए सिरे से तालीम हासिल करना शुरू कर दी। उन्होंने बकायदा दाखिला लेके अलहुदा में तालीमुल कुरान में कोर्स करना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू किए, टेस्ट देने शुरू किए, स्टूडेंट्स के साथ इतने हम्बल तरीके से बैठती थी कि जैसे वो भी एक स्टूडेंट है, यूनिफॉर्म पहनती थी और बच्चियों के साथ ऐसी ही दोस्ती रखी हुई थी जैसे किसी अपने हम उम्र के साथ होती। बेशुमार बच्चियां उनसे मशवरे लेती, कोई कुछ बात करती, कोई कुछ, यानी सबकी वो नानी अम्मा थी। और फिर एक दफा कोर्स खत्म हुआ, फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर तजवीद कोर्स में दाखिला ले लिया, तजवीद कोर्स के लेवल्स होते हैं, फिर वो अगले लेवल में ले लिए, अच्छा के एक तजवीद का लेवल का आफ्टरनून में वंस अ वीक कोर्स शुरू हुआ, उसमें भी दाखिला ले ली। अब वो सुबह 8 बजे से आई भी होती थी और फिर मेरे घर पे आराम करती, और फिर वो शाम का कोर्स अटेंड करके 70s में थी, जब उनकी वफात हुई 78 ईयर्स की थी वो, और इसके बावजूद वो किसी दिन अपनी क्लास मिस नहीं करते। वो बहन भाइयों में से जो मिलने जाता वो कहता आप आराम करें, आप क्यों अपने आप को तकलीफ देते। लेकिन वो सुबह सवेरे वो अपने काम पे पहुंची हुई होती थी, और जिस दिन वो बीमार हुई हैं उससे एक दिन पहले भी वो अपनी क्लास में आई हैं और अपना सारा दिन वहां पूरा किया है, और शाम को किसी को मिलने के लिए भी गई, और फिर अगले दिन सुबह उठी है तो उनको तकलीफ शुरू हुई है, जिसमें उनकी डेथ 2-3 दिन के बाद हो गई। और ना उनकी जबान पे किसी का शिकवा, ना किसी से गिला, ना किसी से कोई तवक्को, कौन मेरे पास आता है और कौन नहीं। और अगर हम जाते भी थे ना, जैसे बहन भाई माशाल्लाह एक के बाद एक, तो थोड़ी देर बातचीत करती थी, फिर कहते अच्छा मेरी जरा सूरत रहती है, हर रोज सूरत बकरा पूरी पढ़नी, फिर आले इमरान भी शुरू कर दी कि जब पता चला कि दो सूरतें क्यामत के दिन दो बादलों की शक्ल में हो, और फिर अपने हाथ से डेली अलहुदा में सदका करना। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद भी अब तक हमने वो सिलसिला जारी रखा हुआ है कि जिस तरह वो खुद आके हर रोज सीधी जाके सदका करती है, भेजती कि जाके डाल के आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो आते इंसान डाल लेता ना अपने अंदर किसी न किसी काम की मसरूफियत रखने की, ठीक है अगर आपके इस वक्त बच्चों की वजह से बहुत मसरूफियत है, आप रेगुलर 4 दिन का कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, फुल टाइम नहीं कर सकते, आप हफ्ते में एक दिन कर लें, आप बाकायदा तालिब इल्म बने, आप पढ़ें, सबक याद करें, टेस्ट करें, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हैं। उस पढ़ने में और सिर्फ एक लिसनर के तौर पे सुन के उठ के बुला देने में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप बाकायदा तालिब इल्म बनते हैं, और तालिब इल्म के तो अजर ही बहुत बड़ा है कि जो शख्स इल्म के रस्ते पे चला वो जन्नत के रस्ते पे चला,
तो चाहे हफ्ता बार क्लास लें, चाहे डेली लें, चाहे सुबह की लें, चाहे शाम की लें, चाहे रात की लें, चाहे ऑनलाइन लें, यानी कोई तरीका अपने लिए जरूर सोचें। या फिर अगर आपने सब कुछ कर लिया और आप वंस अभी वो करते हैं और फिर भी टाइम है, तो खिदमत खल्क सोशल वर्क का कोई ना कोई काम जरूर करें। गरीब लोगों से जाकर मिलें, कच्ची बस्तियों में जाएं, जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाएं, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरियात पूरी करें। यानी आपके आसपास बहुत से लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं। तो जो किसी के साथ एहसान का मामला करता है वो एहसान वापस उस पे लौट के आता है, यानी वापस आपकी तरफ ही आएगा। दुनिया में भी आपको फायदा देगा, आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपके गम दूर हो जाएंगे, और आखिरत में तो फायदा देगा ही देगा। मुसलमान को जब कब्र में दफन किया जाता है, और कब्र की तन्हाई तो आपको पता है कोई भी साथ नहीं जाता, उस वक्त सिर्फ अमल साथ जाते हैं, तो नमाज उसके सराहने की तरफ आ जाती है, सदका खैरात उसके जकात दाएं तरफ आ जाती है, रोजा बाएं तरफ, और सदका खैरात और दीगर नेकियां पांव की तरफ। लिहाजा कोई भी अजाब किसी तरफ से भी आने का रास्ता नहीं रहता, और वो ये चीजें उसको प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन अगर उनमें ही कमी हो और वही नाकिस हो, प्रोटेक्शन वाली वीक हो, तो फिर कौन बचाने आएगा? वहां तो रोना धोना भी काम नहीं आएगा। लोग मजे से अपने बिस्तरों में सोए हैं और कब्र का अजाब सहने वाला अंधेरी कोठड़ी में अकेले मुसीबत में पड़ा हुआ है, जिसका कोई फरियादी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारी जिंदगी है, क्यों ना हम ऐसे काम करें कि इस दुनिया में भी जिए तो इत्मीनान के साथ जिए और आगे भी इत्मीनान के साथ रहें। फिर इसी तरह आप देखें कि एक और चीज का आप ख्याल रखें कि माजी में जो कुछ हो चुका उस पर गमगीन ना रहा करें, रिग्रेट्स ना किया करें बहुत, बस तौबा कर लिया करें। जो हो चुका सो हो चुका, अब वो हाथ से निकल चुका है, अब हमारा मामला अल्लाह ताला के साथ है और वो गफूर रहीम है, रहमान रहीम है। लिहाजा उससे हम अच्छा उसन ज़न रखते हैं कि वो हमें माफ कर देगा। लिहाजा जितनी भी गलतियां जो जानते हैं जो नहीं जानते, उन सब पर हम तौबा करते रहें, इस्तग़फार करते रहें, लेकिन गम ना करें, क्योंकि बाज़ों के शैतान इंसान को गमगीन रखता है। वो क्या चाहता है कि इंसान इसी तरह उलझता रहे अपने गमों में और कुछ ना करे। तो आपने उसके फंदे में नहीं आना, इसलिए कहना कि मेरा मामला अल्लाह के हवाले है, मुझे अपने रब से अच्छी उम्मीद है। और हदीस में हमें क्या तसल्ली दी गई है कि अल्लाह अपने बंदे के साथ कैसा मामला कर, जैसा वो उसके बारे में गुमान करता है। इसी तरह मुस्तकबिल का हम गम फिक्र भी ना किया करें। मैं हमेशा सोचती हूँ जिस रब ने अब तक पाला है, अब तक संभाला है, आगे भी वही रब है। जिस चीज के बारे में भी फिक्र आने लगती है, तो मैं अपने माइंड के अंदर उस चीज को ऐसे रैप करती हूँ और फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये आपके हवाले। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को रैप किया और बास्केट में डाला और दरिया की नजर किया और कहा ये आपके हवाले, ऐसे ही इमेजिनेशन में जो चीज बच्चों के बारे में फिक्र है तो उनको भी इसी तरह रैप करके अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं बाकायदा बोलती हूँ ये लफ्ज, अल्लाह आपने मूसा अलैहिस्सलाम की जैसे हिफाजत की थी ऐसे ही मेरे बच्चे की आप हिफाजत करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो माहौल था सारा वो कैसा था? मिस्र में किसी इस्लामी माहौल में थे, किसी इस्लामी स्कूल में जा रहे थे, या किसी इस्लामी दरसगाह में थे, या किसी मस्जिद में बैठे रहते थे। वहां तो मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां तो कुछ नहीं था उनके पास, हर तरफ बुराई के मौके थे। किसने हिफाजत की? अल्लाह ने हिफाजत की। हर वक्त बच्चों के लिए परेशान ना रहा करें, आप कहा करें कि अल्लाह मैंने इनको तेरे हवाले किया, आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी, आप मेरे बच्चे के ईमान और दीन की भी हिफाजत करें, और अल्लाह करेगा। तो जिस चीज के बारे में आप फिक्र करते हैं ना, उसके लिए अपनी तदबीर जरूर करें, कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह का जब इज़्ज़त होता है तो वो चीज हो जाती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन यकूल लहू कुन फयकून। तो इस तरह अपने बोझों से आजाद हों ताकि आप शरह सदर के साथ हाल में इस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। मसलन मैं अगर इस वक्त पढ़ा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ, और मैं गम लगा के बैठी भी हूँ किसी और चीज का, तो मैं क्वालिटी नहीं दे सकती। आप अगर यहाँ बैठे हुए और सोच रहे हैं कोई घर में मसले का, तो आपका आधा दिल इधर है आधा उधर है, आप डिवाइडेड हैं, आप इंजॉय नहीं कर सकते। इस वक्त आप सब कुछ छोड़ के आए हैं, रिलैक्स हो जाएं, सुकून से बैठें, इत्मीनान से सुने, अपने लिए कुछ पिक करें, याद रखें, साथ लेके जाएं,
और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि यहाँ आने का कुछ फायदा हो आपको। तो अपने सारे ख्यालात को क्या करना है, इकट्ठा करके उस नुक्ते पे फोकस करना है जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं। फिर एक और चीज जो दिलों को बड़ा इत्मीनान देती है, और वो है अल्लाह का जिक्र। उठते बैठते चलते फिरते हर हर मौके का हमें जिक्र सिखा दिया गया। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह अकबर कहें, आप उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहें, आप कहीं एंटर हो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप कहीं से निकल रहे हैं तो दुआ पढ़ लें, आप गाड़ी में बैठे हैं तो दुआ पढ़ लें, आप घर में दाखिल हुए तो पढ़ लें, आप घर से निकल रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, खाना खाने लगे तो आप पढ़ लें, खाना खा चुके हैं तो दुआ पढ़ लें, आप सोने लगे हैं तो दुआ पढ़ लें, कोई आ गया है तो सलाम दुआ में दुआएं हैं। यानी कौन सी चीज ऐसी है जिसके बारे में हमारे दीन ने हमें रहनुमाई नहीं दी और हमें दुआएं नहीं सिखाई, हमें पता ना हो तो वो अलग बात है। लिहाजा कसरत से अल्लाह का जिक्र। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों और बंदियों की सिफत ये बयान करते हैं, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कि वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी। और इसके अलावा फारिग औकात में ड्राइव कर रहे हैं आप, घर के काम काज कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, लॉन्ड्री कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और ये भी आता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए हैं, ईमान वाले जो हैं, उनके जिक्र अल्लाह के जिक्र से ही इत्मीनान पाते हैं। अगर जिक्र कुछ लोग कहते हैं जिक्र भी करते हैं पर चैन नहीं आ रहा, फिर अपने ईमान पे काम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की तो यही सिफत बयान की कि उनको अल्लाह के जिक्र से चैन आ जाता है, उन पर यह दवाई काम कर जाती है। और अगर आप पर यह दवाई काम नहीं कर रही तो फिर दवाई का कसूर नहीं है, कुछ मुश्किल आपके अंदर है, क्योंकि जिक्र तीर बहादुर नुस्खा है। तीर बहादुर का मतलब होता है निशाने पे जाके लगता है, जिस किस्म की आपको तकलीफ हो उसका इलाज है। फिर इसी तरह अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में अल्लाह की नेमतों का जिक्र शुरू कर दें, अल्लाह की नेमतों को देखना शुरू करें, छोटी छोटी बातों पर शुक्र अदा करें। मसलन आप वॉशरूम में जाते हैं, टैप खोलते हैं, गर्म पानी आता है, सिर्फ हाथ धो के वजू करके नहा के बाहर ना निकले, बल्कि क्या करें दिल ही दिल में, उधर अल्लाह का जिक्र तो नहीं हमने करना होता वॉशरूम में खड़े होकर, दिल ही दिल में करें शुक्र है, शुक्र लफ्ज शुक्र मुंह से निकालते जाएं, शुक्र लफ्ज बोलना तो वॉशरूम में मना नहीं, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। इसी तरह कोई भी और चीज जो आपके घर में अल्लाह ने आपको सहूलत दी हुई, मसलन सर्दी है और अल्लाह ने आपको हीटर जैसी नेमत दी हुई है, ऑन करते हुए ऑफ करते हुए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये नेमत दे रखी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नेमत नहीं है, कितने ही लोग हैं जिनके पास पूरा लिबास भी नहीं है, उनके पास आप जैसी रजाई भी नहीं है, उनके पास जूते भी नहीं है, जुराबे भी नहीं है, पूरा खाना भी नहीं है। हमें तो सर्दी लगती है, कहते चाय का कप पी लो सर्दी खत्म हो जाएगी, ये फुला हलवा खा लो फुला, कितनी कितनी सौगातें हमने बनाई हुई है सर्दियों की अपनी सर्दी को दूर करने के लिए, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। यानी सिर्फ खाने की हद तक थोड़ी रहते हैं हम सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बचा के करके हम अपने लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बना लेते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है, फिर भी हम रोते हैं क्योंकि हम शुक्र अदा नहीं करते। आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपको कोई अच्छी सी खुशबू आती है, शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना सीखे। और लोगों से भी बात करें तो नेमतों का जिक्र करें, मसाइल का ना हर वक्त करें। मुश्किल पता क्या है, हम सिर्फ मसले मसाइल को डिस्कस करते हैं, ये मसला पेश आ गया वो मसला पेश आ गया, ये मसला हल नहीं हुआ वो मसला हल नहीं है, शौहर घर आएगा तो मसाइल की पटारी खुल जाएगी, बच्चों से मुलाकात होगी तो मसाइल हैं, बोला क्यों हर वक्त मसाइल की बातें कर। मसाइल जिस वक्त याद आए ना, देर एंड देन दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार लिया करें, अल्लाह ताला ये मसला तो है बस आप हल कर दें, सारे खजाने तेरे हाथ में, आप नहीं करना है, और बाकी हमने खुद तो करना नहीं होता, कोशिश जरूर करें, लेकिन बंदों के पास हल कोई नहीं है, बंदे आपकी तरह या आपसे भी ज्यादा कमजोर होते हैं, जिन बंदों पे हम रिलाय कर रहे होते हैं वो बाज़ोकात हमसे भी कमजोर होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मिसाल दी है, अल्लाह के सिवा जिन्होंने और सहारे बना रखे हैं, औलिया बना रखे हैं, मददगार समझ रखे हैं, उनकी मिसाल
मकड़ी की तरह है जो एक घर बनाती है, और घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। अगर मिसाल के तौर पर कहीं मकड़ी का जाला लगा हुआ है और आप जरा स्लिप होने लगे, पकड़े जरा जाले को, सहारा देगा आपको? नहीं, कमजोर है वो जाला। कमजोरों का सहारा छोड़कर सबसे ताकतवर का सहारा पकड़ें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह का सहारा लें, अल्लाह से मदद मांगें, उस पर यकीन रखें। हर चीज उसके हाथ में है, बियदिहिल मुल्क, सारी बादशाहत, सारी मिल्कियत उसी की है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। फिर आप देखें कि जो चीजें आपको परेशान करती है ना, उनकी किसी वक्त लिस्ट बना लें, मुझे ये भी फिक्र है, मुझे ये भी फिक्र है, यानी क्या 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 परेशान कर, क्या क्या गमगीन कर, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहे, लिस्ट बनाएं, क्या बॉदर कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस मसले का हल क्या है, ठीक है ना। तो उन मसाइल के हल की कोशिश भी करनी है, मसाइल लिख लेने, उसका हल। फिर आप देखें कि किन लोगों के पास इतनी अकल समझ है कि जो इसको जान, मसलन आप बीमार होते हैं किसके पास जाते हैं, ये किसके पास जाना चाहिए, तो आप चुप बैठे, लगता जाते ही नहीं। डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिफा देता है, नहीं तो फिर क्यों जाते हैं, जरिया बनता है, ठीक है। उस कोशिश की वजह से जो हम पर लाजिम की गई है कि कोई मसला पेश आ जाए तो उसको दूर करने के लिए कोशिश करें, ये यकीन रखते हुए कि कोशिश हमारी तरफ से और शिफा अल्लाह की तरफ से। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपने इल्म की रोशनी में हमें मशवरा देगा, दवाई देगा, उस दवा में शिफा अल्लाह डालेगा, ऐसे सोचा करें, ठीक है। गीजर खराब हो जाए तो किसके पास जाते हैं, प्लम्बर के पास। इसी तरह जिस किस्म का कोई मसला पेश आता है जिंदगी में, उसका हल किसको अल्लाह ने सिखाया, कौन हो सकता है, बस उसके पास जाएं। हर एक के सामने, ये नहीं कि दोस्त का फोन आया तो उसको कहानी सुना, आज गीजर खराब हो गया था, फिर ठंडा पानी था, फिर ये हो गया, वो कितना वक्त अपना भी जाया कर उसको भी बेजार किया, वो क्या कर सकती है अपने घर में बैठी हुई आपके गीजर के लिए। हाँ ये हो सकता है, आपको नहीं पता किसी अच्छे प्लम्बर या किसी अच्छे काम करने वाले, आप उसे ये कह सकती है, आज ये मसला पेश आया है, तुम्हारे इल्म में कोई है जो ये मसला हल कर सके, अगर है तो ठीक, वरना आगे चलो कोई और बात करो। हम अकल का सबूत नहीं थे, हर बात हर एक से नहीं करनी होती। हम समझते हैं जो सामने आ गया, जो मिल गया, उसको हम अपनी कहानी सुना देंगे कि मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मसला हल। फिर अगर वो हल नहीं करता, या हम अगर उसे गलत तवक्को, गलती हमारी, गलत तवक्को हमने रखी, फिर अगर मसला हल नहीं हुआ तो फिर हमें उससे शिकवा हो जाता है, फिर हम उससे नाराज हो जाते हैं, उसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, भाई वो बेचारा कर ही नहीं सकता था, गलती तो आपकी कि आपने उसको पकड़ा, ठीक है। और वैसे भी जब तक मसला हल नहीं होता ना, तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए सोचा करें कि मुझसे भी ज्यादा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इससे भी ज्यादा मसाइल हैं, कोई बीमारी आ गई अल्लाह ना करे, उसमें आप कैसे पुरसकून रह सकते हैं, उन सब का सोचें जो इस बीमारी में मुबतला है, बल्कि इससे भी वर्स कंडीशन है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाएंगे कि शुक्र है मैं उस तरह के मसले में नहीं हूँ, और अल्लाह ने मुझे वो सारी सहूलतें दी है कि मेरा इलाज हो सकता है। कितने लोग हैं जो अपना इलाज करा सकते हैं, और कितने लोग हैं जिनको अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं। लिहाजा नेमतों का जिक्र करते रहें और गमों का इजाले की कोशिश में लगे रहें। फिर इसी तरह माजी के ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात जिन्होंने आपकी जिंदगी को, कुछ इंसानों के साथ आपका मामला गड़बड़ हुआ, कुछ और इस तरह के ग्रीवियंसेस हैं, उनको ना कहीं खोद के जमीन में दफना दे सबको, वो पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ, उन पर लिटरली मिट्टी डालें। आप ना अपने इमेजिनेशन से काम लिया करें कि आप इमेजिनेशन में गड़ा खोद रहे हैं और फिर उसमें वो सारा मसला डाल के ऊपर मिट्टी डाल के दफन कर दें और बुला दिया, बस खत्म। कोई बात भी करे तो ना कहें अलमाजी ला युज़कर, अरबी में एक मुहावरा है अलमाजी ला युज़कर, एक शख्स के बारे में आता है कि अगर कोई उसको तकलीफ देता या किसी के साथ उसका कोई ऐसा मामला हो जाता और फिर वो शख्स शर्मिंदा होकर उसके पास आता कि मुझे माफ कर दो, मैंने फलां वक्त में तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो वो यही बोलता अलमाजी ला युज़कर, माजी की बातें नहीं दोहराते, जो हो गया जिक्र नहीं करूं। कहते हैं वो फौत हो गया और किसी को ख्वाब में आया कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तो कहता कि अलमाजी ला युज़कर, मेरे भी पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। तो इंसान है ना, इंसानों से हमें तकलीफ पहुंच जाती है, लेकिन हमने रहना भी उनके साथ होता है,
तो पिछली बातों का ना खोते को रेते रहा करें और दुआ किया करें, अल्लाह मेरे जहन से निकाल दे ये बातें। बाज़ औक़ात ये होता है कि शादी के मौके पर कोई मिसहैप हो जाता है, शौहर की तरफ से ऐसी तकलीफ पहुंचती है या किसी और की तरफ से, या कभी बच्चों की तरफ से भी, और वो हर्ट करती है बकायदा, उन सबको निकाल दे जिंदगी से एज इफ हुई नहीं। फिर एक बड़ी खूबसूरत दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए फायदा मंद है। अल्लाहुम्मा असलिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व असलिह ली दुनियाय अल्लती फीहा माशी व असलिह ली आखिरती अल्लती फीहा मादी वजअल अल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर वजअल अल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर। ये दुआ जुबानी याद कर लें और इसको दिन में कम अज कम एक दफा तो जरूर पढ़ा करें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसमें दीन, दुनिया, आखिरत, हर चीज को ठीक करने की बात है। फिर इसी तरह बाज़ात इंसान अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता, अपने हाथों मजबूर होता है, चाहे गुस्से का वक्त हो, चाहे गम का वक्त हो, चाहे खुशी का वक्त हो, बाज़ात हम खुशी में भी आपे से बाहर हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तला से दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईने वो असलह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीद रखती हूँ, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक आग झपकने की देर भी न करना, एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करना, क्योंकि इन्ना नफ्स लम्मारा तुम बिस्सू, या तो नफ्स किसी बुराई की तरफ ले जाएगा, या नफ्स कोई बुरी बात याद कर लेगा पिछली और उससे परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह इलाह तो तू ही मेरा है। तो इंशाल्लाह ये दुआएं दिल को मजबूत करती हैं, और फिर जब दिल मजबूत हो जाता है तो अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ जाता है, और जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उससे काफी हो जाता है। वो मैं तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसका काम बना देता है। फिर इसी तरह यह है कि अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों के हालात जिंदगी पढ़ा करें, सहाबा के बारे में, सहाबियात के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, कससुल कुरान, कैसे इन लोगों ने सब्र किया, कैसे जिंदगियां गुजारी, नेक लोगों के हालात, उलमा के हालात, मुहद्दिसीन के, मुफस्सिरीन के, फुकहा के, जिन्होंने कुछ काम किए हैं जिंदगी में, आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी। ऐसी किताबें हैं, जब मैं यहाँ पढ़ती थी तो बहुत लाइब्रेरियां थी, दयाल सिंह लाइब्रेरी थी, आई डोंट नो अभी है या नहीं। फिर इसी तरह ये क्लब रोड पे लाइब्रेरी थी, मैं उसमें भी जाया करती थी माल पे जो क्लब रोड पे लाइब्रेरी, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी, कॉलेजेस की लाइब्रेरीज और जगहों पे लाइब्रेरी। तो आप ऐसी किताबें ला के भी पढ़ के वापस कर सकते हैं, वरना ही अब तो नेट पे हर चीज अवेलेबल है। ऐसे लेक्चर्स उर्दू और इंग्लिश में मौजूद है जो हयात सहाबा और सहाबियात और उलमाए उम्मत के बारे में, मुस्लिम हीरोज के बारे में मौजूद है, उनको सुने। उससे ये है कि आपकी जिंदगी सिरात मुस्तकीम पे आएगी, क्योंकि हम हर रोज कहते हैं सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इंशाल्लाह उन लोगों की जिंदगी में आपको बड़ी बड़ी रहनुमाइयां मिलेंगी। फिर इसी तरह यह है कि जिंदगी में एतदाल बड़ा जरूरी है, खुशी में एतदाल, गम में एतदाल, मोहब्बत में एतदाल, नफरत में एतदाल, हर चीज में तवाज़ुन और एतदाल। फिर इसी तरह लोगों के रहम और करम पे खुद को नहीं छोड़ना कि उन्होंने कुछ कह दिया तो आप परेशान हो गए, उन्होंने कोई तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए। खुशी लोगों में नहीं ढूंढे, खुशी अपने अंदर ढूंढे, विद इन योरसेल्फ। आप लोगों के मर्जी पे जीना ना शुरू करें, अल्लाह की मर्जी पे जिए। अब लोग ऐसा लिबास चाहते हैं तो हम वैसे बन जाए, क्यों बन जाए, मेरा रब तो कुछ और चाहता है, लोग कुछ और चाहते हैं, मैंने तो लौट के रब के पास जाना है, मैं क्यों लोगों को खुश करती रहूं, मुझे तो अपने रब को खुश करना है। और इसी तरह तमाम मामलों में फिर आप देखिए कि जब आप कोई भी ऐसी चीज करेंगे यानी जो रब की मर्जी के मुताबिक होगी, रब की मदद से होगी, रब की खातिर होगी, तो उस चीज में बरकत बहुत हो जाएगी। लिल्लाह व बिल्लाह व अलल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मदद से और अल्लाह पे भरोसा करते हुए। और फिर ये कि अपने ऊपर नाजायज बोझ ना डाला करें। मोमिन अपने आप को जलील नहीं करता, ऐसे फितनों और ऐसे कामों में नहीं पड़ता कि जिनका वो बोझ ना उठा सके। लिहाजा जज्बात में आके ऐसे काम मत शुरू कर दे कि जिनको आप दो दिन करके पे थक जाए और क्या मैं नहीं कर सकते। जो भी काम शुरू करे बेबी स्टेप लें, छोटा छोटा करें, फिर आगे बढ़ते जाएं। वरना बड़ा भी काम करना है ना, हजार मील का भी सफर तय करना है तो एक कदम से शुरू करें।
और फिर पहुंच जाएंगे आप अपनी मंजिल को। लेकिन जिंदगी में चलते रहें, कुछ करते रहें, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप में से अगर कोई कुछ बात करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो दुआएं हमें बताती हैं, सिखाती हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगी, हम याद करना चाहते हैं। जी, दो चीजें हैं। अच्छा सवाल किया आपने, सबका भला हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम यहाँ कोई स्टॉल लगा हुआ या नहीं, लेकिन कुरानी और मसनून दुआएं जो हैं, और इयाका नस्ताईन, उसके अंदर ये दुआएं हैं। इसी तरह अगर आपके पास आईफोन या एंड्रॉयड है तो उसमें ऐप है दुआएं के नाम से। आप अगर अलहुदा इंटरनेशनल टाइप करें ना सर्च में जाके, जहां से एप्स निकलती हैं, तो वहां अलहुदा इंटरनेशनल टाइप करें तो वहां जितनी भी एप्स हमने बनाई हैं वो सारी आ जाएंगी। उसमें कुरानी और मसनून दुआओं की ऐप अलग भी आ जाएगी, सोने जागने की भी आ जाएगी, और एक दुआएं के नाम से सारी दुआओं को इकट्ठा कर दिया गया वो भी आ जाएगी। वो आप डाउनलोड कर लें अपने फोन पर, और जब आपका दिल चाहे उसको मार्क कर लें, बुक मार्क लगा लें और अपनी दुआएं पढ़ते रहें। ठीक, उसमें फेवरेट का निशान भी लगा सकते हैं। दुआएं तो बेशुमार हैं, जो मुझे मिली सब डलवाती गई डलवाती गई डलवाती गई। यानी उसमें ये कोशिश की कि कोई चीज रहे नहीं, जो इल्म में आए वो रहे नहीं, वो जमा हो जाए बस, ताकि सब कुछ अल्लाह से मांग लें। खुद तो आता नहीं ना, तो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी या नेक लोगों ने मांगी, हम भी वो मांग लें अपने लिए। तो उस ऐप को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बस ऐसे ऊपर करते जाओ, पढ़ते जाओ और दुआएं मांगते जाओ और मांगते जाओ और मांगते जाओ। उम्र की सही खत्म हो जाती है, वो दुआएं खत्म नहीं होती, इतनी दुआएं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और कोई? वालेकुम सलाम। एक सवाल है कि अभी आपने अच्छे तरीके से बताया कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मुश्किलात हैं, और उनको हमने डील कैसे करना है, तो आप गाइड करें प्लीज कि इस वक्त जो हमारे यूथ हैं और इस्लाम की जो इस वक्त शक्ल है दुनिया में, इसको हम किस तरह बेहतर तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब माएँ हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को दीन से मोहब्बत और दीन का जो अभी आपने अकीदा बताया वो उनमें आना चाहिए, तो थोड़ा सा गाइड करें प्लीज हम किस तरह अपने बच्चों को इस फितनों के दौर में। देखिए, बच्चों की तरबियत के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से मेरे लेक्चर्स भी इस पे हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो उनसे करवाना है वो खुद नमूना पेश करें। अगर हम खुद करके वो दिखाएंगे उनको तो वो भी यकीन के साथ उसको करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे कहने में भी वजन होगा और बरकत होगी, और इंशाल्लाह वो आगे बढ़ के करेंगे। हमें से हर शख्स अपना और अपने से आसपास के 10 लोगों का जिम्मा ले ले कि उनकी जिंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है, तो आप देखें कि बहुत जल्दी इमेज ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसी चीज हमारे पास छू मंतर बिल्कुल नहीं है कि जिससे कुछ होगा, लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने मसलन अपना वजन कम करना हो, कोई दुनिया में ऐसा नुस्खा नहीं कि आप कोई चीज खा लें और आप पतले हो जाएं। लंबे अरसे में काम करके अपना इमेज ठीक करना पड़ता है। जी, आप कुछ कहना चाहिए? हमें कुरान की खुद भी तालीम हासिल करनी चाहिए। आपके आसपास जो है इतना अच्छा सेंटर बना हुआ है, तो अपनी जिंदगी का कुछ वक्त निकालें और यहाँ से आके सीखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि कुरान आपको अपने बच्चों की तरबियत के कौन से असूल सिखाता है, ताकि आप वो इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए पहले इल्म का होना जरूरी है, तो ये पास ही आपका सेंटर है, उसमें जरूर। बिल्कुल, कोई आके प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन करवा दे, कहाँ पर है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, ये हमारा जो सेंटर बना हुआ है, इसमें आफ्टरनून बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, पूरे 5 दिन हो रही हैं, तो हमने फ्री पिक एंड ड्रॉप भी दिया हुआ है, तो इसमें आप बच्चों को लाएं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, तो आप बच्चों को इधर करवाएं, तो इसलिए ये सामने जो 408 ई ब्लॉक, तो आप बच्चों को भेजें, तो बच्चे इंशाल्लाह सीखेंगे। आप लोग खुद भी आए, औरतों के लिए भी कोर्सेज हैं, बच्चियों के लिए भी हैं, और शाम को जो है वो बच्चों की क्लासेस हो रही हैं। तो ये सोसाइटी से बहुत लोग आ रहे हैं, ये कमाहा से आ रहे हैं, जटोल से आ रहे हैं, तो आप बच्चों को इधर लाएं, तो बच्चे इंशाल्लाह सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसी को और तो नहीं कुछ कहना? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप सिस्टम की बात करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में हाकिम से मुखातिब है, तो सिस्टम की बात नहीं आप करती हैं, आप कुरान की सारी बातें मतलब जी आप सही कहती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में या अय्युहल लजीना आमनू कहा है, बहुत दफा ईमान वालों को ही खिताब किया है, जिसमें सिर्फ हाकिम नहीं होते, सभी होते हैं।
और जो कोई भी सिस्टम बनता है ना वो इंसान बनाते हैं। अगर यानी सिस्टम किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, सिस्टम किसी दीवार का नाम नहीं, किसी मशीन का नाम नहीं, सिस्टम बना भी लिए जाए तो उनको इम्प्लीमेंट इंसान करेंगे। क्या हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं लिया गया? क्या हमारे मुल्क का आईन इस्लामी नहीं है? क्या हमारे मुल्क में बहुत से कवानीन इस्लामी नहीं है? लेकिन जितने हैं, मैं नहीं कहती सारे, लेकिन जितने हैं वो भी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे? क्योंकि ऐसे अफराद नहीं है। हम सबको अफराद की तैयारी की कोशिश करनी चाहिए, खुद भी सही हूँ और अफराद को भी तैयार करें ताकि वो सिस्टम को चलाएं। ठीक है, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं और मेरे बच्चे आपका बहुत फैन है, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैंने आपको देखा है बाय फेस। तो जी बात यह है कि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो मुझे ये अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मैं कई दफा बकायदा बैठ के मैं दुआ नहीं कर सकती, अक्सर ऐसा होता है। तो ये हाथ बांध के दुआ करना ये भी एक बहुत सवाब का काम है। मुझे अक्सर ऐसे एक काम होते हैं कि मुझे चलना फिरना पड़ जाता है, तो इसमें कोई मुझे फर्क तो नहीं पड़ता? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है चलते लेटते उठते बैठते आप दुआ कर सकते। जी कर सकते। तो नमाज के बाद की स्पेशल है जो दुआ? नमाज के बाद जो शख्स मुसल्ले पे बैठ के दुआ करता है उसका फायदा बहुत है। अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो उस बंदे के लिए जो मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर रहा हो या जिक्र कर रहा हो उसको दुआएं देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, इस पे रहम फरमा। लिहाजा अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते आप कुर्सी पे वहीं बैठ जाएं, ठीक है, लेकिन बैठ के करें। इल्ला ये कि आपका कोई ऐसा काम है तो आपको जल्दी उठना है, बच्चों का नाश्ता बनाना है, कोई और काम करना है, तो फिर दुआएं ना छोड़ें, साथ साथ भी कर लें। अफजल ये है कि बैठ के करें। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम अस्सलाम। उस्तादा मैं आपकी जो जद्दा सेंटर है उसमें अबला सितारा और अबला हमना की तालिबा हूँ। ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर भी देख के, जद्दा में मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है। ठीक है जी। अभी सदका जारिया की आप बात कर रही थी तो आपके लिए भी खुशखबरी है और मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बच्चियाँ मस्जिद नबी की तालिबा हैं और ऑनलाइन पढ़ती हैं वहाँ से। तो आप अभी ये स्मॉल स्टेप्स की बात कर रही थी तो मैं I used to keep on playing the audio of Asma Huda in my home. Alhamdulillah, बच्चा भी हिज कर चुका है और बच्चियां भी कर रही हैं। तो जब ये उनको सुना रही थी वहां की अबला को मस्जिद नबी की, एंड शी आस्क्ड के आपने अस्मा हुदा का सुना हुआ है, तो मुझे इतनी खुशी हुई। आप भी माँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी उनकी बशारत दुनिया में भी, अल्लाह ताला अच्छे काम उनसे भी ले, और मेरी बच्ची की भी आवाज सुन के उन्होंने पिक किया कि ये वहां से पढ़ के आई है कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस ये छोटे छोटे से स्टेप्स अगर हम माए लेंगी तो बिल्कुल कुछ ना नहीं। हम जी जी बाज़ोकत ये सोचते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि हमारे पास ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं। कोई भी नहीं तो भी हम तन्हा नहीं, बहुत कुछ है हम जिससे फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ मुझे क्वेश्चन करना है, जैसे आजकल बच्चों के हम लोग रिलेशंस के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बच्चों की चॉइसेस होती हैं, बार दफा फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं यहाँ आप करें, तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? बाज दफा होता है उनकी चॉइस में हम निकाह वगैरह भी कर देते हैं, होता है कि चलो जायज तरीके से आप एक दूसरे से रिलेशन कायम रखें, बट गर्ल्स के जो होते हैं लड़कियों के पेरेंट्स वो पसंद नहीं करते कि बच्चा बच्ची ज्यादा आपस में मिले, और इसमें फिर वही होता है कि प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ भी हो गया, और बच्चा की थोड़े अरसे बाद पता चलता है चॉइस बदल गई निकाह के बावजूद कि जी मुझे यहाँ नहीं करना, मुझे यहाँ करना है। इस तरह के माहौल को कैसे बच्चों को टैकल करें? असल बात यह है ना कि दीन से दूरी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। अल्लाह का तकवा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, जिंदगी को फन बनाया हुआ है। अल्लाह ताला समझ दे बस। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चूंकि अब मैं इससे ज्यादा आगे गई तो आपकी नमाज लेट हो जाएगी, आपको घर पहुंच के मगरिब वक्त पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है, तो उसका एहतमाम कीजिए।